सिंगापुर से हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हेलियस कैपिटल के समीर अरोरा सर। समीर सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। थैंक यू जी सर, आप तो पूरे ग्रीन ग्रीन सूट पहन के भी आए हैं आपके लिए, ग्रीन चेयर करने के लिए। क्या बात है, मतलब शर्ट ग्रीन, टाई ग्रीन, सूट का कलर ग्रीन, इतना अच्छा लगा बजट सर? बजट तो अच्छा लगा था जी। लेकिन बजट के बाद जो हुआ कल बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन बजट में कोई इशू नहीं था जिसमें आप कहें कि ये थोड़ा बेटर हो सकता था। आपको एक आदमी बोले कि HDFC लाइफ में ये हो गया वो हो गया काइंड ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर में, वो छोटी बात है। बिग पिक्चर में जो जो चीजें आप बजट से सोच सकते थे, एक तो कि कुछ पॉजिटिव चीजें हो और एक कोई नेगेटिव चीज ना हो। तो नेगेटिव चीज थी कि भाई कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह नहीं होगा, और पॉजिटिव में आपने फिस्कल कंसोलिडेशन और कैपेक्स की अच्छी ग्रोथ और थोड़ा थोड़ा इनकम टैक्स में थोड़ा थोड़ा कमी और हाई नेटवर्थ वाले का भी काम, जो हमारे AIF को भी फायदा होगा जिसका कि वो 39% कैप हो गया। तो सब चीजों से अच्छा था बजट, बहुत बढ़िया था, ओवरऑल अच्छा था। अब एक एक चीज पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। आमतौर पर FIs को एक बात बड़ी पसंद आती है, वो गौर से देखते हैं कि फिस्कल डिसिप्लिन कैसा है, वित्तीय घाटा आप कंट्रोल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, 6% के नीचे का टारगेट और वित्त वर्ष 2026 तक 4.5% का टारगेट, आपको लगता है सर अचीवेबल है? अचीवेबल का पहली बात तो टारगेट बने तो फिर अचीवेबल होता है, इन द सेंस कि फिर गवर्नमेंट उस दौरान प्रेशर में रहती है कि उन्होंने ये कमिट किया है। और ये इसका सिंपल रीजन कि वाई फिस्कल डेफिसिट को लोग देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट ही बीच में मार्केट में पैसे लेने इतने ना आ जाए कि कंपनियों को पैसे लेने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना हो। तो इनडायरेक्टली जो हम हर वक्त US में देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, यहाँ पे वो फिस्कल डेफिसिट के थ्रू मतलब समझ आती है कि गवर्नमेंट क्या कितना स्पेंड करना चाहती है। सो एट द फर्स्ट लेवल वी होप कि वो मीट होगा, लेकिन ऐसा टारगेट डालने से आप दैट इज गवर्नमेंट अपने आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर लेती है ना, तो उसकी भी वैल्यू अभी के लिए।